दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 की चुनावी चर्चा इन दिनों पूरे जोरों पर है। हरियाणा में आज गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, हर जगह चुनावी चर्चा है। देखना यह है कि जनता जीत का सेहरा किसके सिर पर सजाती है। बहरहाल आज हमारे साथ है संभालका विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार रविंद्र मछरौली जी। आइए हम उनसे कुछ चुनावी चर्चा करते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजनीति के मायने आपके लिए क्या है। मैं सबसे पहले तो अपने संभालका हल्के की जनता को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, इनका बेटा हूं, इनका बच्चा हूं। रही बात, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और सेवा करता रहूंगा। सर, आज जीत उसकी है जिसके साथ जनता है, और हमें देख के साफ पता चल रहा है कि आपके साथ जनता है। अगर जनता आप पर विश्वास करके आपको विधायक के रूप में सामने लाती है, तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? ऐसा है, मेरे क्षेत्र के अंदर काफ़ी कमियाँ हैं। जो भी जनता कहेगी ये चुनाव मेरा नहीं, ये संभालका हल्के की आम जनता का चुनाव है। मैं तो इनका सेवक हूँ, काम इन्होंने ही करना है, इन्हीं का चुनाव है, मेरा तो नाम नाम है। सर, आज जनता किसी पार्टी की नहीं है, आज जो जनता है वो उम्मीदवार की है, और जनता के जोश को देखकर ऐसा लगता है कि वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बड़े प्यार से और बड़े आराम से, आप लोगों का चुनाव है, इन्हीं का चुनाव है, इन्हीं का निशान है, ये इन्हीं ने फार्म भरा था, क्योंकि जब फार्म भरा उस टाइम में 1,00,000 लोग पब्लिक थी हमारे संभालका हल्के की, अपने आप फार्म भर के गए थे। मेरा तो सिर्फ नाम नाम है, मेरा कोई वो नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ संभालका हल्के के अंदर कि भगवान चाहेगा इन पार्टियों को ये पता होगा इस बात का कि भाई सेवा और काम से वोट है, ना कि किसी पार्टी और टिकट से वोट है। दर्शकों, अभी आपने सुना संभालका विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार रविंद्र मछरौली जी को। हम भी कामना करते हैं कि वो सभी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। इसके साथ ही हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक अन्य विधानसभा क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि के साथ।